वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्गों में हुसैन रहमान, आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल जुबिन गर्ग मोटर क्लास में स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट के बाद घंटा। दोस्तों आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं टाटा आई सी का सर्विसिंग कैसे करें, सर्विसिंग करने के लिए कैसा क्या क्या मोबाइल डालना है और कैसा मोबाइल फिल्टर डीजल फिल्टर लगाना है, फिटिंग करना है। आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कौन सा कंपनी वाला। सबसे पहले मैंने मोबाइल दो निकाल लिया है, उसके बाद ये जो गैस है मोबाइल चेक करने वाला गैस देख लीजिए, ये है, उसको मैंने खोल लिया है और उसके बाद मोबाइल फिल्टर खोलना पड़ेगा। दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, ये लुकास का मोबाइल फिल्टर है, इसको हम अभी खोलेंगे, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। और मोबाइल फिल्टर खोलने के बाद कौन सा मोबाइल फिल्टर फिटिंग करना पड़ता है, ओरिजिनल वाला मैंने फिटिंग कर लिया है, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, देख लीजिए मेरा वीडियो लास्ट तक। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देख लीजिए दोस्तों, मैंने मोबाइल फिल्टर खोलने वाला बेल से मैंने खोल रहा हूँ, मैंने लूज़ कर लिया, उसके बाद मैंने मोबाइल फिल्टर को खोल लिया। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों देख लीजिए, ये हो खुल लिया है मैंने दोस्तों मोबाइल फिल्टर। और आप लोग देख लीजिए, ये ग्रिप्स का मोबाइल फिल्टर है, इसको हम अभी फिटिंग करेंगे। दोस्तों देख लीजिए 78 में मिलेगा ये मोबाइल फिल्टर, ये ओरिजिनल वाला है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को मोबाइल कौन सा मोबाइल डालना है आप लोगों को इंजन में वो दिखाएंगे, आप लोगों को देख लीजिए। सबसे पहले खोलना पड़ेगा ये जो मोबाइल इंजन में अंदर डालने वाला जो मुखरा है, डेविट कवर का मुखरा है, उसको खोलना पड़ेगा। मैंने खोल रहा हूँ, देख लीजिए दोस्तों, खोल रहा हूँ अभी। और कौन सा कंपनी वाला मोबाइल डालना है, कैस्ट्रॉल कौन सा है आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख लीजिए कैस्ट्रॉल RX सुपरमैक्स होता है वो कैसा है डिब्बा, आप लोगों को डिब्बा को दिखा रहा हूँ, देख लीजिए दोस्तों मेरा वीडियो अंत तक देख लीजिए। ये है कैस्ट्रॉल, देख लीजिए कैस्ट्रॉल RX सुपरमैक्स, ये कंपनी है, इसको डालना पड़ेगा। ये कंपनी से टाटा SCZIP के कंपनी में डालता है, ये शोरूम में ये मोबाइल यूज़ करता है इंजन में। दोस्तों हर गाड़ी के ये मोबाइल यूज़ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये ओरिजिनल वाला मोबाइल है, इसको डाल लीजिए, डालिए इंजन में, डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मिलेगा आप लोगों का, इसका रेट बढ़ता है और कमता है, ये चलता है ये। दोस्तों देख लीजिए, मेरा पास दो क्वालिटी का मोबाइल है, ये एक का दाम ज़्यादा है और एक का थोड़ा कम है दोस्तों। उसके बाद डीजल फिल्टर देख लीजिए, डीजल फिल्टर खोलना पड़ेगा। डीजल फिल्टर खोलने के बाद ये डीजल फिल्टर को चेंज करना पड़ेगा सर्विसिंग करने के बाद। और यहाँ पे कौन सा डीजल फिल्टर से लगा फिटिंग करना है आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। और कितने में मिलता है आप लोगों को दिखाऊंगी दोस्तों, देख लीजिए। मैंने मोबाइल डीजल फिल्टर को खोल लिया है, जो डीजल बाहर निकल रहा है देख लीजिए दोस्तों, ये है। और मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक करना, आप लोग जितना लाइक करोगे उतना मुझे वीडियो बनाने का मन करेगा दोस्तों। मेरा हर वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, जितना लाइक करोगे उतना मुझे वीडियो बनाने का मन करेगा दोस्तों, देख लीजिए। ये तो कचरा हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा जाम हो चुका है डीजल फिल्टर में, इसको चेंज करना पड़ेगा, देख लीजिए दोस्तों। अंदर डीजल फिल्टर के अंदर में भी जाम हो चुका है, ये कचरा जमा हुआ है अभी तो, हम जो पानी जमा हुआ है इसको हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद नया वाला डीजल फिल्टर डालकर फिटिंग करेंगे, देख लीजिए दोस्तों। ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को क्या हो गया है, इसलिए एयर लेता है जो डीजल फिल्टर जाम होने के बाद, पानी डीजल फिल्टर में जो जमा होने के बाद चलते चलते एयर लेगा आपका गाड़ी दोस्तों। ये डीजल फिल्टर कौन सा कंपनी लगाना है देख लीजिए, ये है बॉस कंपनी वाला, देख लीजिए दोस्तों। ये है डीजल फिल्टर और मोबाइल फिल्टर और मोबाइल, ये फिटिंग करना होता है डीजल फिल्टर दोस्तों, देख लीजिए बॉस कंपनी वाला, देख लीजिए दोस्तों कैसा है। और आप लोग एक बात बताइए, हर लोग का मैं सभी के को बता रहा हूँ जो लॉकडाउन कैसा चल रहा है, देख आप लोगों का वहाँ पे ज़रूर कमेंट करके बताइए।
और देख लीजिए दोस्तों, ये है वाटर पंप का एयर निकलने वाला, रेडिएटर का एयर निकलने वाला नट, इसको लूज करके एयर निकल सकते हैं। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय आई अहम।